आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेनाइट में और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसे सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक्स यहाँ पर मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्रेनाइट में या क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है। अगर आप घर बनवा रहे हो तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ग्रेनाइट्स क्या है, मतलब ग्रेनाइट कहाँ लगवाना चाहिए, क्वार्ट्ज कहाँ लगवाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले जो ग्रेनाइट होता है वो एक इग्नियस रॉक का एक टाइप होता है, ठीक है। वहाँ पर अर्थ क्रस्ट में जो मैग्मा होता है गर्म, जब वो बाहर आता है वो ठंडा होने के बाद आपका बनता है ग्रेनाइट, ठीक है। तो वही कटिंग के बाद, पॉलिशिंग के बाद मार्केट में आता है। वहीं जो क्वार्ट्ज होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल, मैनमेड होता है, आर्टिफिशियली उसको बनाया जाता है। कलर की अब बात करें तो कलर ग्रेनाइट में आपको काफ़ी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी नहीं मतलब उतने ऑप्शन नहीं मिलते हैं जितने आपको क्वार्ट्ज में मिलेंगे। क्वार्ट्ज में आपको बहुत ही ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी कलर की, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है। तो वहीं ये ग्रेनाइट होती है वो नेचुरल होती है, तो उसमें ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन क्वार्ट्ज मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, तो उसमें काफ़ी कलर पिगमेंट मिला के आपको जैसा कलर चाहिए वो, मतलब मोस्ट मैं क्या कह सकते हैं उसे, बहुत ज़्यादा कलर की वैरायटी अवेलेबल है क्वार्ट्ज में। अब बात करते हैं यूजर्स की, इसको कहाँ पर यूज़ करें, इंडोर में आउटडोर में। तो ग्रेनाइट को आप आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो, इंडोर में भी। वहीं क्वार्ट्ज में आप, ये बना है इंडोर के लिए। आउटडोर में क्या होगा, अगर आप आउटडोर में यूज़ करते हो इसे डेकोरेशन के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ इसका कलर फेड होने लगेगा वेदर एक्सपोजर में। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की अब बात करें तो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज दोनों की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बढ़िया है। आप अगर इसे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर देखते हो तो आप दोनों में से कोई लगवा सकते हो। बस ये है, आप परचेजिंग के टाइम जब आप ख़रीद रहे हो तो प्रॉपरली उसे चेक करो कि वो उसमें क्रैक्स ना हो, होल ना हो, तो आपकी बढ़िया चलेगी। अब हीट एक्सपोजर की बात करें, हीट एक्सपोजर की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे किचन में अगर लगा रहे हो आप, तो क्या होता है कि वहाँ गरम गरम बर्तन होता है, पैन होता है, यूटेंसिल्स होती हैं। चूल्हे से उतारने के बाद डायरेक्ट आदमी क्या करता है, उसे स्लैब पर रख देता है। ये नहीं, स्लैब पर रख देता है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में क्वार्ट्स में दिक्कत आ सकती है, ग्रेनाइट में आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर क्वार्ट्स लगाते हो तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट आप गर्म बर्तन क्वार्ट्स के स्लैब पे आप ना रखो। अब बात करेंगे प्राइस की, तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा प्राइस में हाइक मिलेगा आपको क्वार्ट्स में। तो अभी आप जो ये प्लेलिस्ट देख रहे हो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट में जाके सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, प्लम्बिंग के बारे में या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हो। थैंक यू।